YouTube पर वीडियो आगे कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है आपके पास सही ऑडियंस होने की वजह से। सही ऑडियंस कौन सी होती है? वो होती है जो आपके वीडियो के हिसाब से सुटेबल हो। जैसे कि आप मिनी ब्लॉग बनाते हो तो आपके पास मिनी ब्लॉग से रिलेटेड ही ऑडियंस होनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर फैक्ट वीडियो से रिलेटेड ऑडियंस होनी चाहिए। अगर आपके चैनल पर फैक्ट वीडियो से रिलेटेड ऑडियंस है तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं होगी अगर उसके ऊपर आप मिनी ब्लॉग अपलोड करते हो। इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मेरा एक फैक्ट का चैनल था जो कि फैक्ट फॉर अल्बी करके था, लेकिन उसे चेंज करके मैंने अल्बी ब्लॉग्स कर दिया और उसके ऊपर मिनी ब्लॉग बनाना शुरू किया। उसके ऊपर मेरी बहुत अच्छी रीच थी जब मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा था फैक्ट वीडियो, लेकिन आज की डेट में मैं इसके ऊपर मिनी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ तो इसकी रीच डाउन हो गई है, लेकिन अब धीरे धीरे रीच बढ़ रही है। वो कैसे? जैसे कि मेरे 60,000 सब्सक्राइबर थे, वो 60,000 सब्सक्राइबर केवल मेरे थे फैक्ट वीडियो के, तो वो लोग फैक्ट वीडियो देखना ही पसंद करते थे, लेकिन अब इसके ऊपर मैं मिनी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूं तो इन वीडियोस पर बहुत अच्छे व्यूज नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब आगे आगे व्यूज बढ़ रहे हैं। ये क्यों? जब मैं मिनी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूं तो वहां पर मेरे सब्सक्राइबर फिल्टर हो रहे हैं। जो कि मेरे फैक्ट वीडियो से रिलेटेड सब्सक्राइबर थे, वो सब्सक्राइबर धीरे धीरे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं जो कि मिनी ब्लॉग बनाते थे, तो उसकी वजह से हमारे आने वाले वीडियोस वायरल होंगे। तो दोस्तों, अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपके पास सही ऑडियंस आएगी कैसे। तो इसके लिए आपको सही हैशटैग यूज करना होगा। अगर आप सही हैशटैग यूज करोगे तो आपके पास सही ऑडियंस आएगी और आपकी रीच भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आप मिनी ब्लॉग में कौन से हैशटैग यूज करोगे। जो हैशटैग मैं भी अपने वीडियो में यूज करता हूं और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मेरे हर एक वीडियो लगभग वायरल चले जाते हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, बहुत अच्छी रीच नहीं है लेकिन वीडियो मेरे वायरल होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको 3 हैशटैग यूज करने होंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं करने होंगे, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। आपको यहां पर नोट कर लेना होगा। सबसे पहला होने वाला है मिनी ब्लॉग, इतना आप जो हैशटैग कर देना, ठीक है। अब दूसरा होने वाला है हैशटैग ब्लॉग। अब तीसरा होने वाला है शॉर्ट्स, बस इतने ही डालना है। इसके आगे आपको टाइटल डालना है, टाइटल के आगे ये तीनों जो है हैशटैग डाल देना होगा। ये हैशटैग जब आप डालोगे और वीडियो को पब्लिश करोगे, आप देख लेना 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी वीडियो पर व्यूज आते हैं इस ट्रिक को अप्लाई करने से, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका मिनी ब्लॉग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।